गोमो में बीती रात नाबालिग छात्र की हत्या मामले को लेकर के एसडीपीओ ईसा मुर्मू ने सोमवार की सुबह घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र हत्या मामले में अनुसंधान जारी है, प्रथम दृष्टया यह घटना हत्या का है, जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। वह इस मामले में मृतक के पिता सुदाम मंडल ने तोपचाची थाना में अपने पुत्र आदित्य मंडल की हत्या को लेकर लिखित शिकायत की है। उन्होंने अपने दिए आवेदन में बताया कि कल शाम लगभग 6 बजे विष्णु मंडल और तापस मंडल द्वारा चिकन चिल्ली खिलाने की बात कहकर आदित्य को ले जाया गया। रात के लगभग 8:20 में विष्णु मंडल हमें फ़ोन कर कहा कि आपका पुत्र बांगला टाड़ के जंगल में बेहोश पड़ा है। जब उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि उनका पुत्र मुंह के बल पड़ा हुआ है और सीधा कर देखा तो वह खून से लथपथ था, गर्दन से काफ़ी खून बह रहा था। देखने पर पता चला कि कोई घातक हथियार से उसकी हत्या कर दी गई है। जब वह घर पहुंचा तो पाया घर के मोबाइल पर मैसेंजर ऐप से राजेश मंडल के नाम का बार बार मैसेज कॉल आ रहा था, पर जब पत्नी मेनका देवी फ़ोन रिसीव करती थी तो उधर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, कॉल काट दिया जा रहा था। वहीं तोपचाची पुलिस द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया गया। वहीं संबंध में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्या लग रहा है मैडम कि सर अभी मैटर कहाँ तक जा सकता है? तो हत्या का ही मतलब अभी हम लोग उसी को कारण ही खोज रहे हैं, हत्या तो हुई ही है। सुनो जा सकता है कि सेकंड पार्टी का भी हाथ हो सकता है सर, अदर कोई मर्डर में? नहीं, वो हम आपको नहीं। सुनिए जी, तरीके से ये हत्या मामला है मैम, ये आउट ऑफ रेंज मतलब किस कोई पुराना इन लोग का बगझक रहा होगा, इस वजह से भी हो सकता है। तो अभी कारणों का हम लोग पता कर रहे हैं। अब तक किन लोगों को, कितने लोगों की हिरासत में लिया गया? अच्छा मैम, यहाँ पर इसे पता चला था पहले कि ये लोग मैंने घटना से पहले ये लोग शराब वराब भी खरीदा था, तो 17 बरस के लड़कों को ये दारू दुकान वाला लोग शराब दे देता है सर, ये भी एक कारण बन सकता है कि नशा का जो है। उसको तो हम लोग मॉनिटर नहीं कर सकते हैं कि कौन जा रहा, गलत आईडी दिखा करके भी लूट लेते हैं। यहाँ पे एज तो चेहरे पे नहीं लिखा है ना, कितना एज हो रहा है। तो क्या लगता है मैम, दोबारा छानबीन होगा जगह का, घटनास्थल का? घटनास्थल में भी जा करके हम लोगों ने देखा है आसपास के क्षेत्र को, और बाकी भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, तो आगे जब भी होगा बताया जाएगा। थैंक यू।